हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं सभी सब्जेक्ट के, रीजनिंग के, साइंस के, जीके के, मैथ के, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। और आगे भी इसी टाइप की वीडियोज लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो ओपी रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कल भी आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2018 कहाँ पर हुई? तुर्कमेनिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये आपका इंडिया में होना है 2019 में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आपका रिपीट होना है आगे भी। ठीक है, आगरा को किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्ची वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हो रहा है? तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका जो भी होम मिनिस्टर होगा इंडिया में, ठीक है, वही नॉर्थ ईस्ट परिषद का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है भाई, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल 2018 कहाँ पर हो रहा है? तो ये नई दिल्ली में हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आगे भी आपका रिपीट होना है अभी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है? तो फर्स्ट पीरियड ही सबसे छोटा होता है क्योंकि उसमें दो ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इससे आपके डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको पढ़े बिना बिल्कुल मत जाइएगा, इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने से पहले पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीएम ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड के सीएम कौन हो जाएंगे? निफ्यू रियो इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जे एंड के में अमर अब्दुल्ला किस पार्टी से है? तो ये एनसी पार्टी से है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी बहुत रिपीट होने हैं, अगर आप पूरा, अगर आपका एग्जाम है लास्ट में जाके है, तो अगर आप सारी एनालिसिस देखते हैं, एक एक वीडियो देखते हैं, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि 50% क्वेश्चन रिपीट होने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी से अगर आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो कल 2-3 तो से मतलब नेक्स्ट डे ही देखने को मिल रहे हैं, तो 15-20 बाद तो आपका बिल्कुल पेपर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मतलब 50-60% तो रिपीट होना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो एनालिसिस को बिल्कुल मत छोड़िए, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है आपको टेलीग्राम पे, उनको बिल्कुल मत छोड़िए, सारी को देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनी है? परमाणु संख्या के आधार पर बनी है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है पहले भी। रोजर फेडरर खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, एक था आपका स्वीडन की राजधानी, देखिए किसी न किसी देश की राजधानी भी आपकी लगातार पूछी जा रही है, तो स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिचर शब्द की किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलेनियम ग्रुप किसको बोलते हैं? ये आपका 9th ग्रुप है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका, ये कल भी क्वेश्चन आया था कि पद्मावत मूवी में खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह जी ने निभाया था, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आरबीसी को और क्या बोला जाता है? एथ्रोसाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मणिपुर विधानसभा आम चुनाव में किस दल की अत्यधिक सीटें प्राप्त हुई है? कांग्रेस को हुई है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट रिपीट हो सकता है। कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? पारा, देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कई बार, मतलब आपका ELP टेक्नीशियन में तो पूछा गया था, अभी अभी में ही आपका ये शायद दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका
13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो आपको अगर डेट भी बोली जाए तो 13 अप्रैल ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें फर्स्ट शिफ्ट के भी हैं, तो सेकंड शिफ्ट वाले सारे ये मत सोचिएगा अगर कोई सेकंड शिफ्ट के इस वीडियो को देख रहा है कि ये कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे, तो कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं, तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सारे के सारे सेकंड शिफ्ट के हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बाद में मिलते हैं, जैसे मैं थर्ड शिफ्ट में सारे दिन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं कलेक्ट करके लेके आता हूँ, ठीक है, जो बचे हुए होते हैं। तो ऐसा मत सोचा करिए कि मैं आपको फेक क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन जितने भी होते हैं बातचीत करके लेके आता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत करके लेकर आ रहा हूं, आप लाइक वाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक करके थोड़ा मोटिवेट कर दिया करें, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग नहीं लेता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है, चंदा कोचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीईओ की मैंने एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम में, तो उसे देख लीजिएगा, यह मैंने आपको उसमें बता रखा था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्या घुमा के दिया गया था क्वेश्चन कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में है, तो बहुत से बच्चों ने रट रखा होगा या पढ़ रखा होगा वॉशिंगटन डीसी, बट यहाँ पे ऑप्शन में था अमेरिका, तो यहाँ पे आपको अमेरिका लगाना था, ठीक है। महिला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अत्यधिक विकेट ली, तो ये आपका हो जाएगा जुल्लन गोस्वामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, हिमालय, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत किस चीज़ का सबसे अधिक निर्यात उत्पादक और उपभोक्ता है, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ट्राई करिएगा, चाहे गूगल से सर्च करिएगा, जैसे भी, ठीक है, चलिए। और देखिए दोस्तों मैथ की बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको क्रैश कोर्स अपलोड कर रखा है अनअकैडमी पे भी, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके, ठीक है, अपनी आईडी बना लीजिएगा और वहाँ पे फिर उसके बाद सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो तो कर ही लीजिएगा, देखिए फॉलो का ऑप्शन होता है, और ये वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। ऊपर वाले कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले कोर्स जो होगा, एक होगा ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स है मैथ का, एक बार उसको जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में ये काम जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका रीजनिंग का, रीजनिंग की अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो लेंथी क्वेश्चन है जिनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं जितने भी बच्चों से बात करता हूं तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से बहुत सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं और जिनको पढ़ने में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि इनको छोड़ने में ही अच्छा ही है, बट छोड़ने का जो छोड़ के आएगा फिर उसका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने में मतलब ठीक होता है, बट अगर आप सारे क्वेश्चन को ये सोचेंगे कि छोड़ के आ जाए तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो ठीक है, कंक्लूजन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइए और क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, बहुत आसान होते हैं, बट थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट समझ गए। वेन डायग्राम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिलोगिज्म से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 3 चैप्टर तो आपके ऐसे फिक्स हैं कि अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपके नंबर ही ज्यादा बढ़ सकते हैं। सीरीज से आपके क्वेश्चन है, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको कराने वाला हूं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर से भी एक क्वेश्चन था वो भी मुझे मिल गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओड वन आउट से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम आपको एक तो ये तो है फर्स्ट शिफ्ट वाला, सेकंड शिफ्ट वाला भी मुझे मिल गया, दोनों शिफ्ट वाले मिल गए। वेन डायग्राम फर्स्ट शिफ्ट में तो ये पूछा गया था कि सब्जी, गाजर और आलू, तो यहाँ पे गाजर और आलू जो है दोनों के दोनों ही सब्जी है, तो आपका कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनना था, ठीक है। आपको वहाँ पे ये दे रखा होगा कि 3 डायग्राम अलग अलग दे रखे होंगे, या फिर कुछ इस तरीके से दे रखे होंगे, या फिर इस तरीके से भी दे रखे होंगे, तो आपको लगाना कौन सा था, ये वाला जिसके अंदर दोनों के दोनों गाजर और आलू कवर हो रखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका एक मिरर इमेज जिसमें आपको लाइट का मिरर इमेज बनाना था, तो लाइट का मिरर इमेज कैसे बनाएंगे भाई, देखिए ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ें मिरर के पास में होती है, ठीक है, तो वो आपको पास में रखनी है, जैसे टी मिरर के पास में है तो यहाँ पे भी टी मिरर के पास में रहेगा, ठीक है, और चेंज तो होगा ही नहीं क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एच है आपका, एच भी बिल्कुल वैसे का वैसे लिखेंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जी आता है, अब जी में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आप बिल्कुल भी गलती नहीं करके आएंगे। तो जी के जो मिरर है, मिरर के पास में जी का ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे भी आपको जी के पास में ये मतलब जी का यही पोर्शन आपको पास में रखना है, तो इसलिए इस तरीके का जी आपने बना दिया है। आई आपका चेंज नहीं होगा, तो चौथे नंबर पे आपका आई आ जाएगा। और एल आपका देखिए, अगर मैं मिरर की बात करूं तो एल आपका ऐसे होगा, ठीक है, ये मिरर है, तो मिरर के पास कौन सी चीज़ है, ये वाली, तो इधर भी यही वाली होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं जो ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। काउंटिंग फिगर से आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। और दोस्तों देखिए ये पीडीएफ जो है मैं आपको इसको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, और अभी 1-2 घंटे बाद ही, तो इसको डाउनलोड करके भी आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हो जाएंगी, तो एंड तक आपको रिविजन करना फिर थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो आप बार बार पीडीएफ इनको देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग फिगर में था आपका एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल दिया था, तो इसमें पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने
कितने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 1, 2, 3 और 4, और एक ये सबसे बड़े वाला 5, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आती जा रही होगी। और देखिए, एक क्वेश्चन था आपका, ऑल लेमन आर रेड और ऑल रेड आर जंप, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो बहुत ही सिंपल है, ऑल वाली कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी, तो लेमन आपका है, ऑल लेमन आर रेड, तो ऑल लेमन आर रेड हो गए, ठीक है, और ऑल रेड आर जंप, तो इस तरीके से आपने एक वेन डायग्राम बना लिया। अब इसमें क्या क्या केस बन सकते थे, यहाँ पे देखिए 3 केस थे, सम रेड आर लेमन, तो सम रेड आर लेमन यहाँ पे हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए सम रेड जो रेड है और ये लेमन है, तो सम वाली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑल जंप आर रेड, तो ऑल जंप रेड नहीं होगा, क्योंकि ऑल जंप रेड कब होगा, जब इसके ऊपर को रेड वाला डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। सम जंप आर लेमन, तो सम जंप आर लेमन हो जाएगा, क्योंकि लेमन जो है वो जंप के रेड के अंदर है, सॉरी जंप के अंदर रेड और रेड के अंदर लेमन है, तो ये भी सम वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए 0, 10, 24, 68 इस तरीके से लिखा था, तो यहाँ पे आपको बताना नेक्स्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 की क्यूब -1, 2 की क्यूब -2, 3 की क्यूब -3, 4 की क्यूब -4, तो उसी तरीके से आप नेक्स्ट करेंगे, 5 की क्यूब कितना हो जाएगा आपका 125, और इसमें से -5 कर देंगे तो हो जाएगा 120, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके की सीरीज है जो आपका है, जो पूछी जा रही है। एक था आपका सी, आपका था 3 लिखा था, LOT आपका लिखा था 47, और MAP मैप आपका बताना था आपको कि क्या होगा। तो यहाँ पे सी 3 नंबर पे आता है, तो लिख दिया इन्होंने, L आपका 12वें नंबर पे आता है, O आपका 15वें पे आता है, और T आपका 20वें नंबर पे आता है, इन तीनों को प्लस करने के बाद में 47 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, मैप में भी इन सभी का नंबर ले करके, ठीक है, अल्फाबेट का, उनको सभी को प्लस कर देना है। तो ये M आता है आपका 13 पे, A आता है पहले पे, और P आता है आपका 16 पे, सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके साथ में, डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए आप यार वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, तो कर दिया करें ना, ठीक है। यहाँ पे 15, 20, 30 और 35 और 40, और नेक्स्ट आपको बताना था कि क्या आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ही चल रहा था, +5 +10 +5 +10 +5, तो हो जाएगा आपका 50, ये 50 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। एक था आपका देश, राज्य और जिला, इसका वेन डायग्राम, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देश, जिला, सॉरी देश, राज्य, जिला में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जिला होता है, जिलों को मिलके राज्य बनता है, और राज्यों को मिलके देश बनता है, तो ये वाला वेन डायग्राम आपका राइट हो जाएगा, अगर आपको ऑप्शन में दे रखा था इस टाइप का कुछ, ठीक है। और देखिए दोस्तों, शाम वाली वीडियो जो आती है आपकी 9 से 10 के बीच में, मैं अपलोड कर देता हूँ, उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वो होती है आपका पूरे दिन का जितने भी क्वेश्चन बचे होते हैं, और वो सब कुछ उसको जरूर देख लिया करें, ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज थी आपकी 4, 6, 12, 14, 28, 30, और नेक्स्ट आपको बताना था। तो यहाँ पे एक बार तो उसमें +2 चल रहा था, ठीक है, +2, एक बार +2 और एक बार +2, एक बार +2, एक बार +2, एक बार +2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए इस तरीके से प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 14 × 28 + 30 × करेंगे तो 60, तो 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके हो गए ये सारे, और यहाँ पे मैथ के कुछ चैप्टर हैं जो कि मुझे पता चले हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बोर्ड मास से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास के आपका सिंप्लीफिकेशन के जो ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, एक बार इसको देख लेते हैं। ब्रैकेट कहीं पे भी होगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ वाली मल्टीप्लाई आपको सोल्व करनी है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा, और थोड़ा सा और मैं समझा दूंगा, ठीक है, शाम वाली वीडियो को देख लीजिएगा। एज से आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम से भी 2 शायद क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो थे, 1-2 का ये कंफर्म नहीं हो पाता कि कितने क्वेश्चन थे, तो जो भी मुझे पता होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, HCF से और LCM से, किसी शिफ्ट में HCF से आ रहा है, किसी शिफ्ट में LCM से आ रहा है, दोनों तो एक साथ में नहीं आ रहे हैं, बट एक क्वेश्चन आ रहा है दोनों के दोनों शिफ्ट में ही। और आपका एक परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, टिग्नोमेट्री हो गया, मीडियन से आपका क्वेश्चन आ रहा है आज, ठीक है, कल आपका मोर्चित और सबसे पहले दिन मीन से क्वेश्चन था, तो आज मीडियन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मीडियन का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। मीडियन का क्वेश्चन था आपका 15, 12, 13, 18, 20, 21, 24, ठीक है भाई। देखिए ना, पे नंबर भी चेंज हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था, वो अगर बच्चे ना कुछ इधर उधर का बता दे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, और कोई ना कोई फ़ोन पे अगर याद रख के थोड़ा बहुत भी आइडिया दे देता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि फेक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ करिएगा आप,
मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा खुद ही। मुझे ये बता दीजिएगा कि आपके कितना याद रहा है, कितने परसेंटेज याद रहा है। यार फोन पे बात करने के बाद में अगर कुछ आइडिया लग रहा है कि मीडियम से कोई क्वेश्चन था और मैं उसे अपनी तरफ से भी ऐड करके लेके आ रहा हूँ, तो आपको ये तो पता चल गया ना कि मीडियम से क्वेश्चन था, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिजिट पे मत जाया करें, आप ये सोचा करें कि हाँ इतना तो पता चल रहा है कि मीडियम से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको आपको बढ़ते क्रम में लगा लेना है, ठीक है। 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24 आपने लगा लिया। यहाँ पे ये क्या है, ओड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो ओड है। ओड में क्या करते हैं, n+1/2, अगर इवन होता है तो आपको n को 2 से डिवाइड कर देना होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे n+1/2 करेंगे तो 7+1/2 करेंगे तो 8/2, तो 4 आ जाएगा। तो 4 काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का एक मीडियन का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको निकालने को दिया था यहाँ पे 60,561 का, तो 60,561 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करा रखे हैं। आपको क्या करना होता है, स्क्वायर रूट में सबसे पहले दो पेयर बना लीजिए और लास्ट वाले जितने बचे उनका एक अलग पेयर, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले का सबसे लास्ट वाले का एक पेयर और जो बचे उनके अलग पेयर। और यहाँ पे ये देखिएगा, ये सिक्स जो है इसमें लास्ट वाले में सिक्स किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 4 और 6 के स्क्वायर में आता है, तो आपने 4 और 6 लिख लिया। फिर बचा आपका 605, ये 605 आपको देखना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 24 का स्क्वायर अगर हम देखें इससे छोटा होता है, 576, और 25 का स्क्वायर देखे तो होता है 625। तो आपको यहाँ पे मिल गया कि ये जो 605 है इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है, सीधी सीधी सी बात है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो ये 24 लिखा है ये तो आपका शुरू का आंसर बन गया। अब आपको ये 4 और 6 हैं इनमें से कौन सा लेना है लास्ट में। अगर ये बड़े वाली संख्या के पास में है तो आपको बड़े वाली संख्या लेनी है, अगर ये छोटे वाली संख्या के पास में है 605 यानी कि इसके पास में है तो आपको 4 वाले लेनी है। भाई एक बार और बता देता हूँ, जो 605 है अगर छोटे वाले स्क्वायर की संख्या के बराबर मतलब आसपास है तो आपको छोटे वाली लेनी है, और जो अगर आपको बड़े वाले स्क्वायर संख्या के आसपास है 605 तो बड़े वाली लेनी है। तो आप खुद देख लीजिए 605 किसके बराबर है, 625 के, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 लग जाएगा लास्ट में, ठीक है ये वाला, तो 246 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपका मैथ का, ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तो 40% आंसर लगा के आ जाएंगे, बट इसको ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पे बोला ए की आय बी की आय से 40% कम है, मान लीजिए बी की आय 100% है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 40% कम है तो इसका मतलब 60 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना, 40 का। पूछा किसके साथ में क्या है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। दोबारा से पढ़ देता हूँ, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो जिससे कंपैरिजन होता है बेस में तो उसको लेते हैं। तो 40 अपॉन में 60 क्यों लिया, क्योंकि ए से कंपैरिजन किया जा रहा है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो कंपैरिजन बी ए से चल रहा है तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे, ठीक है। 40 अपॉन 60 × 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 टाइम और 6 को कट करेंगे 3 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में 3, और डिवाइड करेंगे हम कितना आ जाएगा, 66 कंप्लीट 2/3 राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ये परसेंटेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आप उनको करके आ जाएंगे। PDF लेने के लिए अभी टेलीग्राम को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, या फिर लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी PDF मैं वहाँ पे लगातार अपलोड करता हुआ जा रहा हूँ, तो PDF को डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से और उनको पढ़ भी लीजिए। और जिन दोस्तों को अभी भी ऑनलाइन टेस्ट CBT टेस्ट परचेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन भी हो रखी है तो टाइम मैनेजमेंट की तो प्रॉब्लम आनी है, वो आपको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको परचेज करके उसमें 30 टेस्ट मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उनका प्राइस है 149, उसको आप 20% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। कोड आपको फिल करना है सौरभ SPL, ध्यान रखिएगा इस कोड को फिल करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 120 रुपीज़ में आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो उसको परचेज करके टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, प्लस आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।